कि निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था हमें मजबूत रखनी चाहिए थी, यह एक लैप्स है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पॉक्सो कोर्ट में पेशी पर लाए गए दुष्कर्म आरोपी पर पुलिस की हिरासत में पीड़ित किशोरी के भाई ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। हमले के आरोपित पर पेशी दीवान कृष्ण कुमार राय ने हत्या के प्रयास का केस नगर कोतवाली में दर्ज कराया। इसके बाद युवक को जेल भेज दिया गया। इधर आईजी रेंज प्रयागराज चंद्र प्रकाश ने दोपहर में घटना स्थल का जायजा लिया और एसपी को कोर्ट परिसर की सुरक्षा सख्त करने के लिए निर्देशित किया। आरोपित 35 वर्षीय अटल बिहारी पटेल पुत्र राधेश्याम निवासी सरोज चौराहा काशीराम को कोतवाली नगर पुलिस ने पकड़ा था। उसे जेल पर से पुलिस पेशी पर लाई थी, जहां उसकी पेशी हुई और 5 जून को अगली तारीख लगी। इसके बाद पुलिस उसे लेकर कोर्ट की सीढ़ियों से उतरने लगी। इसी बीच भीड़ में शामिल पीड़िता के भाई ने उसका मुंह दबाकर चाकू से हमला कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया, उसे कोतवाली पुलिस लेकर गई, पूछताछ जारी है। इधर घायल आरोपित बंदी को प्रताप बहादुर अस्पताल ले जाया गया। सीओ सिटी करिश्मा गुप्ता का कहना है कि हमलावर से चाकू बरामद हो गया है। इस घटना को लेकर एक इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मियों को लापरवाही पाते हुए उनके खिलाफ जाँच की जा रही है। जिला कारागार से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत करके जब उसको वापस लाया जा रहा था, उसके ऊपर चाकू से हमला किया गया और जो पेश करने के लिए कांस्टेबल ले आए थे उनके द्वारा हमलावर को पकड़ भी लिया गया है और चाकू भी बरामद किया जा चुका है। संक्षेप में, जो हमलावर है उसके परिजन से दुष्कर्म के मामले में यह आरोपी है। अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि रंजिश वश उसके द्वारा कार्य कारित किया गया है। चूंकि मामला न्यायालय परिसर में घटित हुआ है, इस संबंध में पुलिस अधिकारियों के दायित्व का निर्धारण किया जा रहा है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से तमाम चेकिंग के बाद जो है न्यायालय परिसर में एंट्री होती है, क्या कोई पुलिसकर्मी के ऊपर गाज भी गिरी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई? इस संबंध में जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था हमें मजबूत रखनी चाहिए थी, यह एक लैप्स है।